आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आप सबको मिलवाने जा रही हूँ बहुत ही बड़ी बिग पर्सनालिटी को। तो हमारे यहाँ स्टूडियो पे आए हैं अस्फा खोपेकर जी, जो प्रेसिडेंट है दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड के। तो अस्फा जी, आपका दिल से स्वागत है हमारे स्टूडियो में, हमारे चैनल पे आप आए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम बात करते हैं अस्फाक जी से, उनके बारे में थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी उनकी बहुत सारी जगह पे वो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, बॉलीवुड राइटर डायरेक्टर है, स्क्रीन राइटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के भी वो प्रेसिडेंट है। तो इन सब में वो मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इनको कैसे संभालते हैं, और बॉलीवुड में जब आप जाते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे अस्फाक जी से। तो अस्फाक जी, पहले तो आप बताइए कि जो दादा साहेब फाल्के फिल्म जो फाउंडेशन अवार्ड फंक्शंस जो आप करते हो, वहाँ पे कौन कौन कैसे लोग आते हैं उनके बारे में हमें बताइए, और आप वहाँ कैसे जुड़े वो बताइए हमें। हमारी बॉलीवुड की है ना, इंडियन बॉलीवुड जैसा बॉम्बे उसका सेक्टर रहा है जी, तो बॉलीवुड के हर ट्रेड के लोगों की एसोसिएशन है जी। जैसे कि स्पॉट बॉयज है तो उनकी भी एसोसिएशन है, मजदूर है उसकी भी एसोसिएशन है, और डायरेक्टर की एक एसोसिएशन है, कैमरामैन की, आर्ट डायरेक्टर की। इस तरह से टोटल फिल्म के अंदर 32 टेक्नीशियंस की ज़रूरत पड़ती है जी। तो 32 एसोसिएशन हमारे है बॉलीवुड के, जो बॉम्बे में उनके सब ऑफिस है, और उसके ऊपर एक 32 एसोसिएशन को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक फेडरेशन है, वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज जी। हमारे पास इतने सारे लोग हैं इंडस्ट्री के अंदर, करीब 5 लाख मुंबई में है जी, और साउथ में है, पंजाब में है, ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे टेक्नीशियन से, अच्छे अच्छे डिजर्विंग लोग हैं जी। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड एक जो होती है गवर्नमेंट करती है, हर साल एक अवार्ड दिया जाता है जी। तो इतने लाखों लोगों के बीच में एक आदमी को चुना जाता है और उन्हें अवार्ड दिया जाता है। तो इस तरह से अभी और बहुत सारे लोग हैं जो डिजर्विंग करते हैं, अलग अलग फील्ड के हैं, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे जी, उसको बहुत टाइम जाएगा। तो हमारी फेडरेशन ने और हमने ये डिसाइड किए कि एक अवार्ड गवर्नमेंट देती है जी, दूसरा अवार्ड हम एक संस्था बनाकर दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन इस संस्था फेडरेशन की तरफ से फाइनल करके उसे हमने हर साल हर एसोसिएशन के एक एक मेंबर्स को एसोसिएशन नॉमिनेट करती है जी, जी। जैसे मजदूर के एसोसिएशन अलाइट मजदूर वाले एक नॉमिनेशन भेजते हैं, डायरेक्टर एसोसिएशन वाले युवडा वाले का एसोसिएशन भेजते हैं, इस तरह से सारे म्यूजिक डायरेक्टर का एसोसिएशन, हर आदमी अपने एसोसिएशन का सीनियर मोस्ट एम्प्लॉयमेंट जो होता है, सीनियर मोस्ट वर्कर होता है या सीनियर मोस्ट टेक्नीशियन होता है जी, उनको नॉमिनेट करती है वो एसोसिएशन, और फिर वो हमारे पास दादा साहब फाल्के फाउंडेशन कमेटी के पास आते हैं जी। तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, जो एसोसिएशन जिसका नाम नॉमिनेट करती है एसोसिएशन अपनी मीटिंग करके सारे तरीके से उसे सेलेक्ट करती है उन्हें और उन्हें नॉमिनेट करती है जी। और फिर उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस साल के डिजर्विंग लोग होते हैं, उस ईयर के टॉप मोस्ट लोग होते हैं जी, जिसमें आर्टिस्ट भी हो गए, म्यूजिक डायरेक्टर भी हो गए, सब चीज़ें। तो हम एक कुछ लोग उस साल के लेते हैं, हमारी कमेटी उसे सेलेक्ट करती है, हमारी जूरी है जी। जूरी के अंदर इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग, एसोसिएशन के बड़े बड़े लोग हैं जी। वो दो चीज़ तरीका हमारा होता है, एक तो एसोसिएशन नॉमिनेट करती है, दूसरा उस साल के जो बड़े बड़े लोग हैं उन्हें जूरी और कमेटी मिल के फाइनल करते जी। और फिर उन्हीं को करीब 70 से 72 अवार्ड्स हम हर साल करते हैं, ताकि गवर्नमेंट एक को देती है, बाकी बहुत डिजर्विंग लोग हैं, उनके दिल नाराज नहीं हो जा रहे जी। तो कहीं ना कहीं हम उन्हें दादा साहब फाल्के के नाम से फेलिसिट करके जी। और जो भी एसोसिएशन नॉमिनेट करती है उनको साथ में कुछ थोड़ा फंड और जो भी कुछ दे सकते जी। वो दिया जाता है और उन्हें नॉमिनेट किया जाता है जी। पर सर मुझे एक प्रश्न है, क्योंकि क्या है दादा साहब फिल्म फाल्के अवार्ड बहुत सारे है, और उसी में कई लोगों में मैंने ऐसे भी सुना है कि पैसे लेके भी लोगों को अवार्ड दिया जाता है, तो ये बात बहुत मायने रखती है, जब सही संस्था और गलत संस्था का यहाँ पे फर्क ही नजर नहीं आता है, क्योंकि सबको एक ही दिमाग में, लोग आज अवर तो है
लेकिन ज्यादा अवर नहीं है, क्योंकि अवार्ड को सुन के लोगों के मन में जो दिमाग में आता है कि आजकल बोलना नहीं चाहिए, बट बहुत जगह पे ऐसी चीजें हो रही है गाइस कि आप बिलीव नहीं कर सकते हो कि पैसे लेके भी अवार्ड लिया जाता है, दिया जाता है, ये सब बहुत कॉमन बात हो चुकी है। तो आपकी जो संस्था है वो मेन संस्था है आपकी, कब शुरू हुई वो भी आप बताइए, और आपकी संस्था के द्वारा क्या कुछ पैसे लिए जाते हैं अवार्ड के लिए कि नहीं लिए जाते हैं? हमारी संस्था ये करीब 25 साल से ज़्यादा से चलती आई है, जो फेडरेशन चला रही है, हमारी एसोसिएशन सारे मिलकर, सारे लोग मिलकर उसको वो चल रही है, वो ऐसी संस्था है जो कोई प्राइवेट नहीं है, इसकी पूरी बॉडी इलेक्टेड होती है जी। और वो चली जाती है, और इसमें एसोसिएशन जो नॉमिनेशन देती है वहीं से आते हैं, और किसी के नॉमिनेशन हम एक्सेप्ट कर नहीं सकते जी। प्लस रही बात तो अभी जैसा कि कोई भी प्रोडक्ट है, एक सादा चीज़ पकड़ो, कैडबरी चॉकलेट, कैडबरी का नाम फेमस हो गया, अब कितने कैडबरी चॉकलेट बन रहे थे, क्या करेंगे उसको लोग? एक पानी की वाटर बॉटल शुरू हो गई थी बिस्लेरी, अब कितने हजारों टाइप के वाटर बॉटल चल रहे हैं जी। तो लेकिन सबको लोग बिस्लेरी बोल रहे हैं, उसका नाम कुछ भी रहना, बोले बिस्लेरी नाम, वो होता है। अभी वो ट्रेड जैसा बढ़ता है तो लोगों को फिर एक जरिया मिलता है कि एक पब्लिसिटी भी नाम की जो चीज़ है उसी को इस्तेमाल करके कोई अपने घर भरते हैं, पेड़ भरते हैं, कुछ करते हैं, तरीके लोगों के अलग अलग होते हैं। हमारा इंटेंशन है हमारे टेक्नीशियंस लोगों को जो गवर्नमेंट के लिस्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं उनको यहाँ पर फेलिसिट करके उनको इज्जत देना, उनको खुश करना, वो हमारा उद्देश्य है। हमारा इस संस्था का उद्देश्य कोई पैसा कमाना या और कुछ करना नहीं है। और बाकी लोग जो अगर आगे का नाम डालते हैं दादा साहब फालके और फिर उसके बाद पेट भरते अपना, तो जैसा कि दादा साहब फालके ने खुद ये इंडस्ट्री स्टार्ट की थी जी। तो उन्होंने लोगों के पेट भरने के लिए इंडस्ट्री स्टार्ट की थी ताकि लोगों के पेट भरे, लोगों के घर चले, अलग अलग टेक्नीशियन हो जाए। तो अभी क्या होता है, एक कोई तरीका कोई काम करके पेट भरता है, कोई टेक्नीशियन, कोई मजदूर करता है, कोई डायरेक्शन करता है, कोई राइटिंग करता है, कोई लिरिक्स लिखता है, कोई म्यूजिक करता है। अभी कुछ लोग ऐसे भी है जो उनके नाम से डायरेक्ट फायदा उठा के कुछ करना चाहते हैं, तो वो भी पार्ट हो गया हमारा जी, जी। तो हमको तरीका किसी का, कोई दुनिया जानती है जी। सारे लोग अपने आप पहचानते हैं जी। कि हमारे पास लोगों के फोन आते हैं ऊपर, ये ऐसा ऐसा हो रहा है जी। तो बोला आप देखा करो ना, आपको हम कहाँ किसी के बारे में, आप पूरे इतनी बड़ी इंडिया है जी, जी, जी। तो ये सब नहीं करते, कोई पेट भरता है तो हम रोकते भी नहीं किसी को, बता दो। मतलब कहने का आशय ये है कि कोई और संस्था भले ही जो भी करे, मतलब आपकी जो संस्था है उसी में कोई भी अवार्ड के लिए पैसे नहीं लिए जाते हैं, मैं ऐसा कह रहा हूँ। हमारी अवार्ड हमारे नॉमिनेट होते हैं एसोसिएशन, और एसोसिएशन नॉमिनेट करके बेचती है। वो जो हमारे ओरिजिनल टेक्नीशियंस होते हैं उनके बायोडाटा देखे जाते हैं, उनका सारा चीज़ देखा जाता है, इंडस्ट्री से हट के किसी का अवार्ड नहीं दिया जाता हमारे पास। और कोई भी जैसे कि अलग अलग कैटेगरीज है, वो कैटेगरीज के लोगों को ही और उनके बायोडाटा देख कर ही, और रेपुटेड लोग जूरी में होते हैं हमारे पास, बड़े बड़े रेपुटेड लोग होते हैं, तो उनको ये अवार्ड के लेवल में जो बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स है और सब लोग हैं, इनको कहाँ कौन पैसा दे पाएगा? ये ऑलरेडी करोड़ों उद्योगपति ये लोग हैं जो जूरी में बैठे हुए हैं, वो क्या किसी से लाख रुपए, दो लाख रुपए, चार लाख रुपए लेके थोड़ी नॉमिनेट करने वाले हैं? इससे लोग है ही नहीं ना, ऑलरेडी बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वो इज्जत रेस्पेक्ट वो चीज़ें हैं, और बाकी अभी लोग करते हैं ठीक है, करते हैं। कब संस्था ये शुरू हुई थी और आप कब जुड़े थे उसमें? ये हमारी संस्था पहले दादा फालके एकेडमी के नाम से करीब 30 साल से इसलिए काम हो रहा है जी। और उसके बाद नई कमेटी 2015 में मैं इलेक्टेड होके आया हूँ, और तब थोड़ा चेंजेस करके उसके टाइटल के अंदर और फाउंडेशन बना के हमने उसको आगे चलाया, लेकिन ये हमारा चल रहा है करीब 30 साल से ज़्यादा हो गया, और बड़े बड़े रेपुटेड लोगों को अवार्ड दे चुके हमारी इसने, और अभी भी हर साल वो चलते आया है। आप कितने साल से हो सर? मैं 2015 से इलेक्ट हुआ, अभी सेकेंड टर्म है मेरा, यानी सेकेंड टर्म पे दो साल और बचे हुए हैं, तो उसके बाद अभी कोई और आ सकता है इसमें, क्योंकि ये पद पे लोग आते रहते हैं और एक ही कोई पर्सनल किसी का है नहीं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है, आपके साथ मिलके आपके साथ बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और ऐसे आपके साथ आमने सामने बात करने का मुझे आज मौका भी मिला, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। और आगे चलते हैं, ये तो हमने दादा साहब
फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड के बारे में और जो असफाक जी प्रेसिडेंट है और क्या क्या कामगिरी हो रही है वहाँ पे और कैसे अवार्ड दिया जाता है उसी के बारे में हमने बात की। लेकिन आगे चलते हैं कि असफाक जी बॉलीवुड राइटर एंड डायरेक्टर भी है, तो सर उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, थोड़ा अनुभव आपका शेयर कीजिए हमारे साथ और शॉर्ट में कीजिएगा। जैसा कि मैं 1993 के अंदर मैं इस लैंड में आया हूँ और मैं शुरू में एज अ फाइनेंसर बोल के कुछ मेरे यार दोस्तों की फिल्में होती थी उनको छोटा मोटा फाइनेंस करके इसमें एंट्री किया। फिर मैंने मुझे भी शौक हुआ तो मैं सीखना शुरू किया इसमें। मेरे एक दोस्त थे लीलाधर स्वामी, अभी वो नहीं रहे स्वर्गीय, बड़े बहुत बड़े आर्ट डायरेक्टर थे जिन्होंने 200 के करीब फिल्में की है। उनके साथ में मैं सेट पर जाया करता था और वहाँ फिर सब ये सीखा करता था डायरेक्शन के बारे में, सारे चीज़ के बारे में। तो थोड़ी उम्र ज़्यादा थी जब मैं ज्वाइन हुआ तो वहाँ सब मैंने फिर बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ में काम सीखा, देखा उनका और आगे बढ़ते गए। तो थोड़ी चीज़ें दिल में आ गई, इसमें इसको कैरियर बनाना चाहिए। वो 93 के बाद फिर मैं रिटर्न देखा, 93 में हमने सबसे पहले सीरियल बनाई थी जो लीलाधर सावंत भी मेरे पार्टनर्स थे उसमें, ऐसे कंबाइन के बैनर तले आज़ादी की ओर, बड़ी मेगा सीरियल थी जो दूरदर्शन पे महाभारत के बाद की सबसे बड़ी सीरियल होती थी जिसमें सारे स्टार कास्ट हुई थे, मुकेश खन्ना, पंकज जी, सुधीर दलवी, सुधीर राज, बड़े बड़े लोग थे। वो सीरियल हमने बनाई थी और उसके 13 एपिसोड के बाद फिर आगे हम कंटिन्यू नहीं कर सके। फिर लाइफ चलते रही इंडस्ट्री में, अलग अलग तरीके से काम होता गया। आर्ट डायरेक्शन भी बहुत सारी फिल्मों की मैं सावन साहब के साथ में किया हूँ, राइटिंग भी 2007 में फिर मैंने एक बड़ी फिल्म निकाला सियासत द पॉलिटिक्स जिसका राइटर डायरेक्टर मैं खुद था और उसके बाद सिलसिला चलता रहा तो अभी तक चलता है। और मैंने करीब 10 से 11 मराठी फिल्में बनाई और शॉर्ट फिल्म्स, टेली फिल्म्स, डॉक्यूमेंट, सीरियल्स, ये बहुत सारे चीज़ तो मैंने डायरेक्ट किया, लिखा हूँ और सफ़र चलता रहा है ऐसा। और उसके बाद में ज़्यादा एक्टिव अभी इसके कुछ कई सालों से एक्टिव मैं एसोसिएट के कारोबार में ज़्यादा ये कर पाऊँ ताकि इंडस्ट्री में रहकर कुछ सोशल काम कर सकूँ, तो ये अब मेरा चल रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है सर। आगे चलते हैं, बहुत सारी बातें हैं, बातें कभी कम नहीं होती है। और जब कोई इंसान कोई काम करता है तो उनकी लाइफ जर्नी, उनकी स्टोरियाँ, उनकी कहानियाँ बहुत कुछ होती है। लेकिन इतना समय हम आप सबका भी नहीं बिगाड़ेंगे क्योंकि शॉर्ट एंड स्वीट में जितना हम जानने की कोशिश करेंगे वो अपने लिए बहुत ही अच्छी होगी। तो आगे चलते हैं, असफाक जी के बारे में और भी हम जानेंगे कि जो स्क्रीन राइटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के भी आप प्रेसिडेंट हैं तो वहाँ पे आपकी क्या कामगिरी है सर? जैसा कि इंडस्ट्री के अंदर कोई भी फिल्म, सीरियल, डॉक्यूमेंट्री या जो भी कुछ बनती है तो उसको पहले राइटर की जरूरत होती है जी। तो ये एक राइटर की एसोसिएशन है जी, राइटर की एसोसिएशन स्क्रीन राइटर बिल्ड ऑफ इंडिया, जिसमें मैं एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आया हूँ जी, कल 5 साल से जी, उसके पहले और लोग थे। तो अब इसमें सारे इंडस्ट्री के टोटल राइटर्स उसके मेंबर्स हैं जी। उनके कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं जब अगर एसोसिएशन के राइटर के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया, किसी ने उसका पेमेंट नहीं दिया, किसी ने उसकी कॉपी राइट्स कर दिया, किसी ने कुछ जो भी कुछ होता है कभी कभी प्रॉब्लम आते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स हम राइटर्स के प्रॉब्लम इस एसोसिएशन से सॉल्व करते हैं, जहाँ पर उनके सॉल्व करते हैं। अगर हमसे सॉल्व नहीं हुआ तो हम, हमारी संस्था अफिलेटेड फेडरेशन से है, वेस्टर्न इंडिया सिने एसोसिएशन को हम लोग फेडरेशन को अफिलेटेड है जी। तो मैटर वहाँ जाते हैं और वहाँ से जाके कोरट पुलिस स्टेशन, यहाँ जाने से पहले हमारे फेडरेशन में जाते हैं और वहीं से इसको आगे जाने की मौका नहीं मिलता, वहीं से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो ये लोगों की एक तो फाइलिसेशन करने के लिए भी एसोसिएशन है, प्लस हेल्प करने के लिए है, मदद करने के लिए, बहुत सारे उनके राइट्स के लिए लड़ने के लिए ये एसोसिएशन बनाई गई है। और ऐसी एसोसिएशन हर ट्रेड की है, हर ट्रेड के लोगों ने बनाई भी है सब जी। बहुत ही अच्छी बात है असफाक जी, आपकी ये जो इतने सारी जगहों पे आप काम कर रहे हैं वो सुन के भी बहुत अच्छा लगा। और आप और ज़्यादा हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारे दर्शकों को संदेश दीजिए। हमारी एक उद्देश्य ये भी रहा है हमारी दादा फाल्के फिल्म फाउंडेशन का और साथ में हमारी वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का जी, उद्देश्य ये रहा है कि इंडस्ट्री के नाम से
बहुत गलत गलत लोग जो नॉन मेंबर्स नॉन इंडस्ट्री के लोग हैं, कहीं भी प्रोडक्शन हाउस खोल के या कुछ खोल के कुछ बहुत अलग अलग तरीके से काम करते, जिनके पास हमारे फेडरेशन के मेंबर एसोसिएशन के कार्ड्स है वहाँ से तो बिल्कुल कुछ होता नहीं है, क्योंकि उसकी कंप्लेंट हमारे पास आती है। और उस तो अगर कोई भी फिल्म कोई हीरो बनने या कोई आर्टिस्ट बनने या किसी काम करने के लिए कोई चीज़ लोग आते हैं तो उन्हें देखना चाहिए कि ये एसोसिएशन वेस्टर्न फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सीधे एम्प्लॉज से अफिलेटेड है या नहीं जी। वरना उस एसोसिएशन का मेंबर बन के कोई फ़ायदा नहीं है, ना तो काम मिलने वाला है, ना तो आपके कुछ सुनवाई होने वाली है, बस कुछ दिन के लिए खेल होएगा। तो जो भी एसोसिएशन के आप मेम्बर बनते हो जो भी ट्रेड की, तो वो एसोसिएशन अगर फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सीधे एम्प्लॉज से अफिलेटेड है जी। तो आपको आगे बढ़ने में काम होगा, मदद होगी, हेल्प होगी। बाकी अगर कोई एसोसिएशन अफिलेटेड नहीं है तो फिर उससे उस सुनवाई कोई होने वाली नहीं है। अफिलेटेड लोगों की ये हमारी जो फेडरेशन है, अफिलेटेड जो एसोसिएशन है उसी के साथ में रहती है, उनको ही सुनवाई करती है। और वो अफिलेटेड लोग बिल्कुल उनके मेंबर्स बिल्कुल कोई गलत काम होने से हम रोकते हैं उसको। तो याद रहे कि वेस्टर्न इंडिया सीनियर एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के अंडर अफिलेटेड लोगों से एक साथ मिल के ही काम करें, ताकि बाकी सुविधाएं हो जाए और किसी पे अत्याचार अन्याय नहीं हो। जी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी दर्शक मित्र, आप सुनिए और ध्यान रखिए इसी की चीज़ का कि आप कहाँ क्या कर रहे हो। सोच समझ के संभाल के आप सब कुछ करेंगे तो आपका कैरियर बनाने में आपको तकलीफ नहीं होगी। तो आसपास जी आपको मिलके बहुत अच्छा लगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।